الحمد لله كفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وركضه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين आइए हम और आप सभी का दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरमी हजरात साहिब खाना नहायत ही काबिले बात मुबारक है, मुबारकबाद के लायक हैं कि जिन्होंने इतने खर्च के बाद गौसे आजम की महफिल सजाई है, हम लोगों को मदू किया, उलमा को बुलाया। अभी मेरे बाद एक अजीम खतीब जो इस वक्त सिर्फ ओडिशा नहीं हिंदुस्तान का हर इलाका दौरा करने वाला खतीब जिनका नाम मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुबारक हैं, उनकी भी खिताब होगी, तकदीर होगी, वो तशरीफ लाएंगे। थोड़ी देर आप लोग समाज फरमाएं। शायर कहता है कि काबा खम है रोज़ाए खैरुल वरा के सामने, काबा खम है रोज़ाए खैरुल वरा के सामने, चांदनी फीकी है नूरे मुस्तफा के सामने। काबा खम है रोज़ाए खैरुल वरा के सामने, चांदनी फीकी है नूरे मुस्तफा के सामने, और बारगाहे रब में हो गए सजदे उसके कबूल, झुक गया जो दिल नूरे मुस्तफा के सामने। सदियां गुजर गई सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई अरे दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तराश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तराश कर, और सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती। जी साहब, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता यार इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, पड़ता यार इबादत के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि महफिल गौसे आजम के नाम सजाई गई है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिन की बातें होगी। अल्लाह के वली के बारगाह में एक आदमी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, मैं करामत देखने आया हूँ। क्या देखने आया हूँ? मैं करामत देखने आया हूँ। मैं अब तक सिर्फ सुनता हूँ कि वली अल्लाह करामत दिखाते हैं, मगर मैं जब तक देखूंगा नहीं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। बुढ़िया बिस्तर लिया, वली अल्लाह के बारगाह में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद काम यही रहूंगा। सब रोज रहा, रहते रहते 20 साल गुजर गए, मगर एक भी करामत ना देख सका। अब दिल मायूस है, एक करामत तो पेशाब दिखाई नहीं है, अब मुझको यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। रात में बुढ़िया बिस्तर तय किया, सुबह हुई वली अल्लाह से मिलने गया, कहा कि हुजूर मैं जा रहा हूँ, आपने तो करामत देखा ही नहीं मुझको, मैं कोई करामत देखा ही नहीं, यहाँ रह के क्या फायदा। वो अल्लाह के वली हैं, शरीयत के पाबंद हैं, मकबूल हैं। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बता कर जाओ, तुमने तो 20 साल मेरी खिदमत की, मेरी जूतियाँ ठीक करते रहे, मेरे कपड़े धोते रहे, करामत देखने के चक्कर में, अब तुमने तो करामत देखा नहीं, अब जाने के इरादे में हो, बेटा बताओ कि 20 साल के दरमियान तुमने कभी मुझको नमाज छोड़ते हुए देखा? कहा हुजूर कभी नहीं देखा। कभी रात में तहज्जुद छोड़ते हुए देखा? कहा कि हुजूर मैं कभी नहीं देखा। कि कभी तुमने रमजान के रोजा दिगर नवाफिल रोजे छोड़ते हुए देखा? ना कभी नहीं देखा। तो पीर साहब ने यही जवाब दिया, प्यारे असल करामत हवा में उड़ने का नाम नहीं, कि असल करामत पानी में तैरने का नाम नहीं, असल करामत वो है दुनियाई जिंदगी के साथ साथ शरीयत पर भी अमल हो, नमाज की भी पाबंद हो, रोजे का भी पाबंद हो, उसमें शरीयत का पालन हो। दुनियाई जिंदगी में वही कामयाब है जिसमें अल्लाह रसूल खुश हो जाए। करामत असल वो नहीं है, करामत शरीयत की पाबंद। सुभान अल्लाह। अगर अफसोस है हम लोग नमाजों से दूर है। पीर साहब आए थे, मुरीद साहब आए थे करामत देखने। पीर साहब ने कहा कोई करामत नहीं है, मगर नमाज को ना छोड़ा, शरीयत की पाबंदी करता रहा, कभी रात में तहज्जुद ना छोड़ा, कभी रोजा ना छोड़ा, कभी फर्ज तो फर्ज नफल रोजे ना छोड़े, तो असल तो करामत वही है, तो शरीयत की पाबंदी भी हो, अल्लाह और रसूल की इताअत भी हो, अल्लाह और रसूल भी खुश हो जाए, तुम्हारी जिंदगी भी पूरी हो जाए। मोहतरमी हजरात, जो चंद हजरात यहाँ बैठे हैं,
वक्त किल्लत दामनगीर है, अभी शोरा भी है, मुकरीन भी है, लेकिन आज की इस महफिल से एक काम हम लोग करेंगे। काम ये करेंगे कि हम लोगों को नमाज का प्रोसेस जानना है और नमाज की पाबंदी आज की इसी महफिल से आपको करनी है। करेंगे ना? नहीं, नमाज की पाबंदी करनी है। पूरे कुरान में 6,666 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 700 जगह में नमाज का जिक्र है। कितनी जगह में? 700 जगह में नमाज का जिक्र है। और नमाज के अंदर बहुत सारी पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रुकू अगर कुछ पसंद है वो है सजदा। सुभान अल्लाह। क्या है? सजदा। क्योंकि सजदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, और ये सर वही झुकेगा कि जो माबूद होगा, जो अमर होगा, तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल, पूरी दुनिया फना हो जाएगी मगर रब की जान बाकी रहेगी। सर इतना कीमती है, अल्लाह ने उसको कहा कि मेरी बारगाह में झुकाओ, ये सर वही झुकेगा कि जो अमर होगा, ये सर वही झुकेगा, दुनिया फना हो जाएगी मगर वो जान बाकी रहेगी। तो सर हर जगह में झुकेगा नहीं। आप लोग समझिए कि नमाज के मामलात में हमको जरूरी क्या है। आदमी कभी कोई चाहे किसी वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए पाबंदी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है, नमाज के लिए वजू जरूरत है कि नहीं? तब वजू करेंगे तो वजू के फराइज भी जाननी जरूरी है। मोटा मोटी सुनिए कि वजू के फराइज 4 हैं। कितने हैं? असल तकरीर हजरत की होगी, आप लोग मसले समाज फरमाए। वजू के 4 फराइज में से 3 फराइज को हम आसानी से अदा कर लेते हैं। 1 चेहरा धोना, 2 दोनों हाथ के हनों समेत धोना, 3 चौथाई सर का मसा करना, और 4 दोनों पांव का टखना समेत धोना। मुरब्बी हजरात भी हैं, चेहरा धोना आसान है, धो लेंगे, दोनों हाथ धो लेंगे आसान है, लेकिन सर का मसा कुरान में है सूरह माईदा के अंदर कि जब वजू करो तो 4 चीज जरूर अदा करो। अब मसा का तरीका, नमाज की बुनियाद है वजू, अब मसा का तरीका हम लोग अपने हिसाब से अपने एतबार से करते हैं। किसी को देखिए किसी तरीके से, कोई किसी हिसाब से करता है, मगर अगर मसा आपका सही ना हो तो फिर वजू नहीं है, तो वजू नहीं तो फिर नमाज नहीं है। तो आप लोग आज के इस महफिल से मसा, चौथाई सर का मसा किस तरह किया जाए उसको आप लोग समाज फरमाए। हर आदमी तवज्जा दे कि हम जो वजू करते हैं, जो मसा करते हैं, क्या हमारा तरीका ठीक है कि भूल है। हर आदमी देखे कि हाथ के 3-3-6 उंगलियों को मिलाए। कितने उंगलियों को? 4 फराइज में से 3 तो आसान है मगर एक आसान नहीं है। तो 3-3-6 उंगली को मिलाने के बाद आपको ये उंगलियां रखना कहाँ है? जहां से आपके बाल उठते हैं, यहां उंगली रखे। रखने के बाद आप सर में उंगली को घसीटते हुए ले जाए मगर हथेली ना लगे, ये अहम चीज है। जाते वक्त हथेली ना लगे, उंगलियां घसीटते हुए जहां बाल खत्म वहीं तक लाए, फिर वहां से आप उंगलियां उठाइए, हथेली घसीटते हुए आप आखिर तक लाए, फिर देखिए हाथ का पानी साफ है, हाथ का पानी साफ है। शहादत की उंगली से कान के अंदर आप साफ करें, शहादत की उंगली से, दोनों उंगलियां से कान के अंदर साफ करें, और जिसको बूढ़ा उंगली अंगूठा कहते हैं उसे कान के बाहर के हिस्से को आप साफ करें, फिर हाथ भिगा कर, मसा फर्ज है, फर्ज अदा नहीं तो फिर नमाज भी नहीं। तो दोनों हाथ को भिगा कर उल्टे हाथ उल्टा गर्दन में उल्टा लगाएं, यानी के दाहिना हाथ पहला सीधा लगाना मकरूह है, सीधा नहीं लगाएंगे बल्कि उल्टा उल्टा दाहिना पहले लगाए उसके बाद फिर बायां लगाए। मगर मसा हमारा ठीक होता है कि नहीं? तो हम लोग जो वजू करते हैं कि वजू में क्या सही मसला यही है जो हम लोग अपने एतबार से करते हैं? नहीं। 3-3-6 उंगलियां मिलाकर लेके जाए, हाथ सर के ऊपर से घसड़ते हुए मगर हथेली ना लगे, इसको याद रखिए, जाते वक्त हथेली ना लगे, आते वक्त उंगलियां ना लगे, जाते वक्त हथेली ना लगे, आते वक्त उंगलियां ना लगे, घसड़ते हुए लाइए, शहादत की उंगली कान के अंदर दाखिल कीजिए, फिर
आप अंगूठे को कान के बाहर के हिस्से को साफ कीजिए, हाथ भिगा कर उल्टे तरफ आप सर में यानी के गर्दन में मसा कीजिए। ये वजू का सही तरीका और मसे का सही फर्ज यही है। अच्छा, अमूमन आप देखिए जैसे जुलूस तो होते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन जो जरूरी है मसलों मसाए, अमूमन देखिए कि हमारे मसा करने में कहीं ना कहीं गलती थी या नहीं, जरूर थी। तो इसीलिए कि नमाज आप जब जहां पाए नहीं उसके लिए पाबंदियां बहुत सारी चीजें हैं। अब वजू में चार चीज फर्ज है, तीन आसान है, मगर मसा अगर याद रखते हैं फिर ये भी आसान है। और नमाज शुरू करने के पहले छह चीज जरूरी है। कितनी चीज है? नंबर एक तहारत। नंबर एक तहारत से मुराद है कि पाकी हासिल करना। नंबर दो सतर औरत यानी कि बदन में कपड़ा होना, तहारत सतर औरत। नंबर तीन में इस्तकबाले किबला, किबला के तरफ मुंह होना। कोई अगर उत्तर दक्षिण के तरफ मुंह करे हरगिज नमाज नहीं होगी, किबला शर्त है, किबला के तरफ मुंह करना। ठीक है, तीन शर्त हो गए, तहारत सतर औरत इस्तकबाले किबला और वक्त का होना। वक्त चौथी फर्ज है, चौथी शर्त है वक्त। और पांचवे में क्या है? नियत। आप जो नमाज पढ़ते हो नमाज की नियत होनी जरूरी है। ये नहीं कि जुमा पढ़ते हैं आप असर की नियत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वक्त जिस वक्त में आप नमाज पढ़ते हो उस नमाज की नियत जरूरी है। और आखिर में जो छठी शर्त है यानी कि तकबीर तहरीमा, कान तक हाथ उठाना। ये छह चीज को याद रखिए, नंबर एक तहारत, नंबर दो सतर औरत, नंबर तीन इस्तकबाले किबला, नंबर चार वक्त, नंबर पांच नियत, नंबर छह तकबीर तहरीमा। नमाज के पहले छह चीजों की जरूरी है। अब नमाज में एंट्री कर लीजिए फिर छह चीज की जरूरत है। नंबर एक कयाम करना, कयाम से मुराद है कि खड़ा होना। नंबर एक ये फराइज नमाज है। देखिए नमाज से हम दूरी इसलिए है कि हमको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, प्रोसेस मालूम नहीं, खड़ा किस तरह हो। तो जो शराइत और फराइज है इसको जानना निहायत जरूरी है। नंबर एक फराइज नमाज में नंबर एक कयाम करना यानी खड़ा होना। नंबर दो जिंदाबाद। नंबर एक कयाम करना, नंबर दो किरात करना, नमाज में कुरान पढ़ना होगा, और नंबर तीन रुकू करना, नंबर चार सजदा करना, नंबर पांच कायदाए आखिरा, और नंबर छह खुरूज बिसुनी अपने इरादे से नमाज पढ़ना। ठीक है, एक कयाम, दो किरात, तीन रुकू, चार सजदा, पांच कायदाए आखिरा, छह खुरूज बिसुनी। हम नमाज पढ़ते हैं तो इन चीजों का ख्याल रखनी चाहिए। एक मसला है कि लॉकडाउन के माहौल में बहुत सारे लोग अपने घर में जुमा पढ़े, जमात करके पढ़े। जुमा की नमाज ना आप घर में पढ़ सकते हैं, ना जुमा की नमाज छत के ऊपर पढ़ सकते हैं, ना जुमा की नमाज कहीं मैदान में पढ़ सकते हैं। तो जो लोग जुमा की जमात करके नमाज पढ़े, जो लोग जुमा की जमात करके नमाज पढ़े वो किसी की नमाज जुमा हुई नहीं। तो मसला यह है कि जुमा के दिन आपकी यहाँ जमात हो रही है कि आपके यहाँ जुमा कायम है, तो आप अपने घर में जुमा की जमात नहीं कर सकते, ना जोहर की भी जमात नहीं कर सकते। तन्हा तन्हा आप नमाज पढ़ेंगे जोहर की जुमा के दिन। कोई सोचे कि मस्जिद में जुमा चालू है, हम लोग 8-10 आदमी यहीं पर जोहर की जमात कर लेते हैं, मसले के एतबार से जोहर की जमात भी जायज नहीं। चाचा हजरात हम लोग हैं कि जो मसले के एतबार से जोहर की जमात भी जायज नहीं, बल्कि आप तन्हे तन्हा पढ़ेंगे जोहर की नमाज, जुमा तो हर गिज भी नहीं। तो जो लोग जुमा पढ़ चुके हो गलत कर चुके हैं। तो जुमा की नमाज सिर्फ मस्जिद में, और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि सुबह की नमाज में आप गए और जाने के बाद जमात चालू है, सुन्नत पढ़े नहीं, शामिल हो गए, फिर जमात के बाद फौरन आप खड़े हो तो अलग से सुन्नत पढ़ लिए। मसले के एतबार से ऐसा सुन्नत पढ़ना जायज नहीं है, बल्कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद ये सुन्नत पढ़ेंगे। और साहिब तरतीब, मसला सुनते रहिए, साहिब तरतीब उसे कहते हैं
कि जिसके जिम्मे में एक भी नमाज बाकी नहीं, रेगुलर नमाजी हो, पंजेगना नमाजी हो, साहिब तरतीब की अगर एक दो तीन चार पांच छह वक्त की नमाजें छूट गई, अगर जमात भी चालू है तो साहिब तरतीब उस जमात में शामिल नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिए, जो साहिब तरतीब हो, जो रेगुलर नमाजी हो, जिसके जिम्मे में एक भी नमाज बाकी नहीं, तो वो आदमी जमात भी चालू है तो शरीक नहीं हो सकता। वजह उसकी यही है, साहिब तरतीब के लिए वो सबसे पहले कजा नमाज पढ़े, उसके बाद अदा नमाज पढ़े। हम लोग क्या किए, नमाज हमारी जिम्मे बाकी है दो चार पांच वक्त के, अब गई और जमात में शामिल हो गए, कजा नमाज पढ़े ना पढ़े वो अपने जिम्मे बाकी रही नमाज। ऐसा नहीं मेरे प्यारे, आप अगर साहिब तरतीब हैं तो आपको क्या चाहिए कि पहले कजा नमाज पढ़े उसके बाद अदा नमाज पढ़े। साहिब तरतीब के लिए जोहर में गए, जुमा में गए नमाज पढ़ने, अब जोहर की चार रकात छूट चुकी है, सुन्नते मुअक्कदा है, आप जमात में शरीक हो गए, जुमा में गए, जुमा के पहले चार रकात मुअक्कद जुमा भी छूट चुका है, आप गए जुमा में शामिल हो गए, पिछले सुन्नत पढ़े नहीं, जमात में पढ़े फिर चले आए। लेकिन मसले के एतबार से जोहर और जुमा की सुन्नतें कौन सुन्नतें, जमात के पहले जोहर, जोहर और जुमा की सुन्नतें फर्ज से पहले जो सुन्नतें छूट चुकी है वो सुन्नत फर्ज के बाद बेहतर यह है कि पिछली सुन्नत पढ़ने के बाद पढ़िए, छोड़ने का नहीं है। पिछली सुन्नत पढ़ने के बाद वो सुन्नत को जरूर पढ़िए, सुन्नत मुअक्कदा उसको छोड़ने का हुक्म नहीं है। आका करीम का फरमान है कि सुबह की नमाज और सुबह की नमाज की जो सुन्नत है, जो सुन्नत छोड़ने की आदि हो जाए, यानी जो आदत बना ले, कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन मेरी शफाअत से महरूम रह जाए। ये सुन्नत का आलम है। आका करीम ने फरमाया कि सुबह की सुन्नत जो छोड़ने की आदत बना ले तो कयामत के दिन कोई गारंटी नहीं कि मेरी शफाअत उसको नसीब हो। तो इसीलिए तो समझ में बात आ रही है कि सुन्नत का आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे, मिलाद महफिल कीजिए, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। कई नमाजें मैं पिनाईपुर की मस्जिद में पढ़ा, लेकिन देखा कि मुसल्ली हजरात बहुत कम है। आका करीम का फरमान है कि अगर कोई आदमी नमाज बेनमाजी है, नमाज छोड़ने की आदत बना ले, फिर क्या है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये हो फिर हमको गवारा नहीं है। और गौसे पाक की महफिल है, हुजूर पीरान पीर दस्तगीर, हुजूर गौसे पाक का फरमान है कि बेनमाजी अगर इंतकाल हो जाए मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो। कितनी बड़ी बात है, हम महफिल सजाते हैं, लंदन लुटाते हैं, होने चाहिए, ये बाइसे सवाफ है, लेकिन जो हमारे जिम्मे में फर्ज है नमाज रोजा हज जकात, हम उसको अदा नहीं किए। फातिहा बाद में नमाज पहले, याद रखिए, मिलाद सलाम कयाम बाद में नमाज पहले, रोजे महशर के जार उदास बुवत, अव्वली कुर्सी से नमाज बुवत, सबसे पहले कयामत के दिन आमाल में अल्लाह ने नमाज का ही सवाल करेगा, नमाज का ही सवाल होगा। तो इसीलिए नमाज की पाबंदी करते रहिए, उसके मसलों मसाइल को भी याद रखिए। मगर बात हजरात को देखा है कि नमाज पढ़े तो पैर किसी का इतना फासला, दोनों पैर के फासले बहुत ज्यादा रहते हैं। उलमा बताते हैं कि दोनों पैर का फासला कम से कम चार उंगल होनी चाहिए, या खूब जोर से उठे इतना फासला होना चाहिए। और अक्सर लोग हजरत आइए, अक्सर लोगों की हालात तो ऐसी है कि नमाज पढ़ रहे, नमाज की नियत दुरुस्त है, नारे तकबीर बताने का मकसद यह है कि आप लोग नमाज की पाबंदी कीजिए, मिलाद महफिल भी कीजिए, फातिहा दुरूद भी कीजिए, लेकिन पहले नमाज की पाबंदी कीजिए। और हमारी माँ बहने नमाज की पाबंदी बहुत कम होती है, मजारात में हाजिरी उनकी ज्यादा हो जाती है। मजारात की हाजिरी के बारे में सरकार आला हजरत ने लिखा, क्या लिखा, औरत जब इरादा बना ले, औरत जब इरादा बना ले अपने घर से मजार जाती है तो फिर वहीं से लानत शुरू। कोई पूछे, हुजूर जिसका घर मजार के करीब हो, जिसका घर मजार के करीब हो, न उनके लिए लानत नहीं है, वो जब उसके यहाँ तो नियत के ऊपर है, जिसने इरादा बनाया उसके लिए लानत है।
ने इरादा बनाया उसके लिए लानत है। तो सरकार आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रजिया में लिखा कि औरतों की हाजिरी मजारात पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनकी हाजिरी जो है ये लानत का सबब है। प्यारे मोहतरम हजरत, अब हमेशा ये ध्यान में रखें कि हुजूर गौसे पाक का जो फरमान है, मुसलमान बेनमाजी अगर उसका इंतकाल हो जाए तो मुसलमान की कब्र में दफनाया ना जाए। अच्छा, कब्रिस्तान तो मुसलमान की होती है भाई, मसानी तो नहीं ना। तो कब्रिस्तान हमारी है और हमें कलमा पढ़ने वाला वो कब्रिस्तान में दफन ना हो, पिराने पीर का फरमान है। तो पता चला कि बेनमाजी की नहुसत जो है इतनी खराब है कि गौसे पाक का फरमान हो रहा है इनकी नहुसत से दूसरे मैयत को कहीं तकलीफ ना हो जाए, इनकी नहुसत से दूसरे मैयत को तकलीफ ना हो जाए, जब इंतकाल हो तो कब्रिस्तान में दफन ना करो। बताइए, गौसे पाक की महफिल सजाएंगे, सब कुछ करेंगे, जब उनके फरमान पर अमल ना करेंगे कोई फायदा नहीं। अभी आपने सुना मुरीद साहब कहा मैं करामत देखूंगा, फिर साहब ने कहा बाबू असल करामत तो वही है जो नमाज की पाबंदी हो, रोजों की पाबंदी हो, शरीयत की पाबंदी हो, अल्लाह और रसूल की खुशनूदी के लिए जो काम हो वही तो असल करामत वही है। हवा में उठना पानी में तैरना करामत नहीं है। ये बात याद रखें कि आप लोग नमाज की पाबंदी जरूर करें और उसके साथ साथ जो लोग दाढ़ी नहीं बढ़ाए दाढ़ी जरूर छोड़िए। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ इमाम साहब बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। हजरत, तीन सुन्नतें ऐसी है कमोबेश 1,24,000 पैगंबर सबों ने अदा की है। उसमें नंबर एक है दाढ़ी रखना, हर पैगंबर की दाढ़ी थी भाई, हर पैगंबर दाढ़ी वाले थे, बिना दाढ़ी वाले ना कोई पैगंबर थे ना कोई वली अल्लाह थे। और दूसरी बात ये रही, निकाह करना हर पैगंबर की सुन्नत है। हजरत ईसा रूहुल्लाह किए नहीं मगर करेंगे, निकाह करना हर पैगंबर की सुन्नत है। और तीसरी बात ये रही, बकरी चराना हर नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बकरी चराना कोई मामूली बात नहीं है। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक और आखिरी नबी तक हर नबियों ने बकरी चराया, तो तीन सुन्नतों में कोई गुंजाइश नहीं है, यानी निकाह करना, दाढ़ी रखना और बकरियां चराना कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत है। यानी पता चला हम कई सुन्नतों से दूर है। उलमा तो यही फरमाते हैं कलमा पढ़ो एक नबी का मानो हर नबी को, कलमा पढ़ो एक नबी का मानो हर नबी को, यानी मुरीद बनो एक पीर का और मानो तमाम पीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, चार छह टोल के हिसाब से मुरीद बन जाइए, जो कमाएंगे भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुरीद बनो एक पीर का, फैज हासिल करो हर पीर से, कलमा पढ़ो एक नबी का मानो हर नबी को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ईसा नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह था, इब्राहिम नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह, मूसा नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हर नबी ने अपना अपना कलमा अपने अपने गुलामों को पढ़ाया। सुभान अल्लाह, हर नबी कलमा अपने गुलामों को पढ़ाया। जब खुद की बारी आई कलमा पढ़ने की तो इन नबियों ने किसका कलमा पढ़ा, तो कलीमुल्लाह रूहुल्लाह जबीहुल्लाह नजीबुल्लाह इन सबों ने किसी और का नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अतः मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई, हुजूर आप किसका कलमा पढ़े, जवाब मिला न हुजूर ने कलीमुल्लाह पढ़ा न रूहुल्लाह पढ़ा न जबीहुल्लाह पढ़ा न सफीउल्लाह पढ़ा न कलीमुल्लाह पढ़ा, नबी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह का रसूल हूँ, किसी नबी ने कलमा ना पढ़ा। हमें फख्र होनी चाहिए, हमारे पैगंबर ऐसे पैगंबर हैं, इनका कलमा सब पढ़ते हैं, ये किसी का कलमा पढ़ते नहीं है। हमें फख्र होनी चाहिए, वो नबी का फरमान है कि जब मेरा गुलाम मेरी उम्मत नमाज ना पढ़े इनका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है। आप चाहें कि आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पर हो, मेरे प्यारे जलसे जुलूस तो कीजिए मगर उसके साथ साथ नमाज की पाबंदी भी होनी चाहिए। इजाजत हजरत एक बात और बता दें, लोगों का एक सवाल है कि या अय्युहन नबी नहीं कहना चाहिए, या अय्युहन नबी नहीं कहना चाहिए। अब कुरान में 11 आयतें ऐसी
ऐसी है जिसमें या अय्युहन नबी का हुक्म है। कितनी आयतें हैं सब याद रखना है। शाहिर साहब नाद भी पढ़िए, पढ़ना सुन्नत है शादी की, मगर शरीयत की भी पाबंद होनी चाहिए। 11 आयतें ऐसी है जिसमें या अय्युहन नबी का हुक्म है, या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन, तो जहाँ कुरान में या अय्युहन नबी का हुक्म है तो उनसे पूछिए प्यारे यहाँ क्या कहे क्या पढ़े, तो पता चला कि तुम्हारा फलसफा तुम्हारा फतवा गलत है। या अय्युहन नबी आज की नहीं, ये सहाबी के जमाने की बात है, अल्लाह का फरमान है। तो या अय्युहन नबी कहना बिदअत नहीं बल्कि कुरान का कानून है, बिदअत नहीं कुरान का कानून है। और कहीं तो इल्मे गायब के बारे में भी सवाल है, हुजूर को इल्मे गायब नहीं था। मेरे प्यारे कुरान मजीद में 9 जगह में इल्मे गायब का जिक्र है। कितनी जगह में? 9 जगह में इल्मे गायब का जिक्र है। अल्लाह ने सबको इल्मे गायब पता नहीं किया, अल्लाह अपने करम से फजल से जिसे चाहे रसूलों में से पसंद किया तो इल्मे गायब अता किया। और कुरान में सूरह तकवीर के अंदर अल्लाह ने कहा वमा हुआ अलल गैबी बिज़नी, मेरे नबी इल्मे गायब बताने में वकील नहीं है। फिर कहीं कुरान में अल्लाह ने कहा वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाह, मेरे नबी को सब कुछ सिखा दे तो नबी नहीं जानते थे, अल्लाह का फजल है। कहीं कुरान में अल्लाह ने कहा इल्मे गायब सब कुछ देता नहीं हूँ, अल्लाह जिसे चाहे इल्मे गायब दे वो भी रसूलों में से जिसे पसंद करे। और कहीं देखिए नबी के एहतराम के बारे में कुरान में आया है, क्या आया है कि आए लोगों अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहु बिल्कौल कजहरि बादिकुम लिबादि अन तहबता अमालुकुम वा अंतुम ला तशुरून। अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो, नबी से अपने दोस्तों की तरह बातें ना करो, क्या होगा तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएंगे। वान तुम लातो शुरून तुम्हें खबर भी नहीं होगी, सारी नमाज बर्बाद इबादत बर्बाद, फकत इतनी है कि नबी की आवाज से आवाज बुलंद करनी पड़े। और एक हजरत एक जगह में है, लोगों का कहना है कि भाई बात लंबी हो जाएगी सब कर सुनिए, लकद जनाजा पढ़ने के ताल्लुक से क्या मीन के पीछे उनके पीछे क्या है, अल्लाह के नबी ने एक मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई, एक मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई, और जब नबी ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। उसके बाद कुरान की जो आयत नाजिल हुई उस वक्त नबी के अंदर में था, नबी के इख्तियार में था। अब्दुल्लाह इब्ने उबै नाम था उसका, अब्दुल्लाह इब्ने उबै की नमाज़े जनाज़े नबी ने पढ़ाई। आज लोग उसका मिसाल देते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उबै वही है जो बीबी आयशा पर तोहमत लगाया था, मुनाफिक का सरदार था। जब उसकी नमाज जनाज़ा अल्लाह के नबी ने पढ़ाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते। उसके बाद कुरान की आयत भी नाजिल हुई, क्या सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने कहा, क्या कहा कि उनमें से अगर किसी का इंतकाल हो जाए कोई मर जाए तो नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना, वला तुसल्ली अला अहदी मिनहुम माता बदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाह व रसूली व मात वहु फासिकून। और उनमें से जो मर जाए उसकी नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना, वला तकुम अला कब्री और उसके कब्र के पास खड़ा भी ना होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह व रसूल के साथ फिस्क किया हालत कुफ्र ही में मर गए। अब्दुल्लाह इब्ने उबै की जनाजा के बाद कुरान की आयत नाजिल हुई, जब आयत नाजिल हुई तो मसला हल हो गया। अब तक तो नबी के इख्तियार में था, अब मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं। और नबी ने जनाजा के बाद अपने जिस्म का कपड़ा भी उतार के दिया था, क्यों दिया था, एक मौके में अल्लाह के नबी के ऐलान के मुताबिक, एक मौके में अल्लाह के नबी के ऐलान के मुताबिक अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास ने अपने हजरत अब्बास के लिए अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने कपड़ा उतार कर दिया था। ठंडी का मौसम था, हजरत अब्बास बहुत लंबे चौड़े थे, हजरत अब्बास को दिया गया था। तो पता चला कि अल्लाह के नबी ने उस बदले को दुनिया ही में खत्म कर दिया, ऐसा ना हो कयामत के दिन मेरे पीछे पड़ जाए, कयामत के दिन एक या तलाश ना करे। कपड़ा तो नबी के हुक्म के मुताबिक दिया गया था, नबी ने बदला वसूल कर दिया कि अपने चाचा को कपड़ा देने के बदले में अपना कपड़ा उतार कर उसके सारे बदले को वसूल कर दिया। और आने वाली नस्लों
अगर मुनाफिक की बात आ जाए, कोई बदअकीदे की बात आ जाए, तो नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना, उसके कब्र के पास खड़े भी ना। एक बात और है, तबरुक के बारे में भी सवाल होता है, सिंधी सामने रखनी नहीं चाहिए। उठाइए आप गजवाए तबूक का मौका, अल्लाह के नबी ने 27 लड़ाई में शामिल हुआ। कितनी लड़ाई में? 27। हाँ, वो गजवा था। 27 लड़ाई में अल्लाह के नबी शामिल हुए, और नबी की हयात जाहिरी की आखिरी लड़ाई गजवाए तबूक। क्या है गजवाए तबूक में? मुसलमान कम, वो लोग ज्यादा, मुसलमानों के पास खाना पानी भी कम, मुसलमानों के पास सब कुछ कम। मुसलमान शिकायत किया, रसूलल्लाह खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे क्या, पेट में दाना नहीं, प्यास से हम मारे जा रहे हैं, होगा तो क्या होगा। नबी ने इजाजत दे दी, आए लोगों अपने अपने ऊँटों को पटको, जीवित करो, गोश्त खाओ। अब लोग अपने अपनी तैयारी में लग गए, इजाजत मिल गई सरकार के दरबार से। अब लोग ऊँट पटक रहे हैं, कोई ऊँट को बांध रहे हैं। इतने में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पहुंचा, हजरत उमर ने देखा ये लोग सब लगे हुए हैं, यानी अगर इसको खा जाएंगे, ऊँट कुजीब कर लेंगे, तो हमारी सवारी वहां तक मंजिल तक पहुंचेगी कैसे? रेगिस्तान का एरिया है, पहाड़ पर्वती का एरिया है, लोग पहुंचेंगे कैसे? अल्लाह के नबी के बारगाह में नबी के ससुर हजरत उमर इब्न खत्ताब खलीफा दुआ में पहुंचा, या रसूल अल्लाह आप मुख्तारे कुल हैं, या रसूल अल्लाह आप मुख्तारे कुल हैं, अल्लाह ने आपको सारी इख्तियार दे दिया है, आप चाहे तो मुसलमान का रास्ता निकल सकता है, मुसलमान के लिए रास्ता हमवार हो सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। उमर इब्न खत्ताब तुम ऐलान फरमा दो मुसलमानों के पास क्या क्या है, खाना पानी क्या है नहीं है, और हजरत बिलाल हबशी से कहो चमड़े वाला दस्तरखान मेरे सामने बिठाए। कसम खुदा की ये गजवाए तबूक की बात है, तबरुक सामने रखना ये बिदअत है कि सवाब है, अभी बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह के नबी के ऐलान, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया, ऐ लोगो सबके बैग और थैले में कुछ बचा है, रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर करो। हजरत बिलाल ने दस्तरखान बिछाया, बिलाल दस्तरखान बिछाने के बाद सब अपने अपने थैले और बैग उठाए, मुश्किल से एक या दो मुट्ठी खाना निकला। सुभान अल्लाह, एक या दो मुट्ठी खाने को रसूलुल्लाह के बारगाह में रखा गया। रखा कहां गया था हजरत? गजवाए तबूक के मौके पर, किताबों में है, सामने रखा गया था, पीछे नहीं, दाएं बाएं नहीं, कोई दूर में नहीं, सामने रखा गया था। और रखे जाने के बाद अल्लाह के नबी ने उसने कुछ पढ़ा और पढ़कर दुआए बरकत फरमाई। सुभान अल्लाह, दुआए बरकत होने के बाद नबी ने इजाजत दे दी, सब लोग आओ दस्तरखान के इर्द गिर्द में बैठ जाओ, सब पेट भर के खाना खाओ। सब लोग आए पेट भर कर खाना खाए, फिर नबी ने इजाजत दे दी अपने अपने थैले और बैग में भी खाना लोड करो। सब बैग और खाने में, सब बैग में थैले में खाना भी भर्ती किया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा उमर और कुछ बचा है कुछ मौजूद? हजरत उमर का ईमान देखिए, तमाम सहाबियों का अकीदा देखिए। हजरत उमर ने कहा हुजूर हम सब तो पेट भर के खाए, तमाम लश्कर तो खाए और थैले में भी खाना लोड किए, मगर फिर भी हम देख रहे हैं ये अल्लाह का फजल है, रसूलुल्लाह के मौजूदात है, खाना वक्त नहीं मौजूद है, कितना खाना पहले था। सहाबा इकराम ने रखा, उमर इब्न खत्ताब ने रखा, और फातिहा किसने पढ़ा? अल्लाह के नबी ने पढ़ा। दस्तरखान किसने बिछाया? हजरत बिलाल हबशी ने बिछाया। फातिहा के बाद खाने की इजाजत किसने दी? अल्लाह के नबी ने दी। खाया किसने? सहाबियों ने खाया। मेरे प्यारे आज भी तबरुक में होते हैं, यही सिस्टमेटिक है, सामने रखा जाए, पाक चीज रखा जाए, जो खाने की उसको रखा जाए, उसमें दुआएं बरकत की जाए, अल्लाह की मुकद्दस किताबें पढ़ी जाए, ताकि इसमें बरकतें भी हो जाए, नबी की सुन्नत भी हो जाए। जनाजे के बाद दुआ में कंप्लेन, जनाजा तो खुद ही दुआ है, फिर दुआ होने की क्या जरूरत है? उठाइए गजवाए मौता की बात, अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत जाफर शहीद हो गए। कौन सहाबी? हजरत जाफर हजरत मौला अली के भाई हैं, वो शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने मिंबर पर ऐलान किया, ऐ लोगो हजरत जाफर शहीद हो गए, और सब लोग जनाजे में तैयार हो जाओ। जाफर की जनाजा तैयार की गई है, लड़ाई में गजवाए बौता में हजरत जाफर शहीद हो गए। नबी ने नमाजे जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर दुआ फरमाई, फिर नबी ने कहा सब लोग दुआ करो, जाफर इस्लाम के खंभा थे, इनसे दीन का बहुत काम होता था। जाफर शहीद हो गए, उसके पुत्र
दिनों के बाद बैतुल इस्वान वाले सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा की बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा की बेटी की जनाजा खुद बाप पढ़ाए और पढ़ाने के बाद फिर हाथ उठा कर दुआ फरमाए। जो ही दुआ हुई तो वहां भी कंप्लेन करने वाला कोई था किया के हुजूर आप दुआ क्यों फरमाए, ये तो खुद ही दुआ है, चार तकबीर तो खुद ही दुआ है, दुआ कर दीजिए बात खत्म हो जाएगी। सहाबी रसूल का अकीदा देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दुआ में मेरी मर्जी के मुताबिक करता नहीं, ये मेरे मिजाज के मुताबिक करता नहीं, मैं वही करता हूँ जो मेरे आका ने किया था। हजरत जफर की जनाजा पढ़ा हूँ, नबी ने दुआ फरमाई और दुआ के बाद कहा दुआ करो, इसलिए जनाजा के बाद दुआ करना ये मग़फ़िरत की जमीन है, जनाजा के बाद दुआ करना ये बिदअत नहीं है, सुन्नत है रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाजे के बाद दुआ किए साहब, आज कंप्लेन है भाई क्यों दुआ होती है, तो भाई फतवा किस पर लगाओगे, फतवा किस पर लगाओगे? अल्लाह के नबी ने हजरत जाफर की जनाजे में दुआ फरमाई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न औफा ने अपनी बेटी के जनाजे पर तू रिजवान वाले साहबिया जी इन्होंने भी दुआ फरमाई, तो पता चला कि दुआ करना बिदअत नहीं, दुआ करना सुन्नत है, साहबी की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। और एक कंप्लेन है, जुलूस निकालते हम 12 रबीउल अव्वल को, इसमें भी शिकायत है कि भाई वो क्या, उसे क्या मिलेगा? उठाइए कुरान मजीद पारा नंबर 11 रुकू नंबर 11 सूरह यूनुस में अल्लाह ने कहा कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहु, मेरी दो नेमतों से खुशी मनाओ, एक बिफ़ज़लिल्लाह, एक बिफ़ज़लिल्लाह, उसमें नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सदकात भी है, सब कुछ बिफ़ज़लिल्लाह में है, वो रहमतिही, और रहमती से खिताब नबी को कहा तो रसूलुल्लाह आए तुम खुशी मनाओ, खुशी मनाना तुम्हारा काम, ऑर्डर देना मेरा काम, टेंशन लेना शैतान का काम, टेंशन देना मोमिन का। निसार तेरी अदालत ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबी अव्वल सेवा इब्लीस के जहां में सभी ने खुशियां मना रहे थे, मां आमना अमन देने वाली औरत वो फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ बहुत खूबसूरत है, सुबह शादी का वक्त है, बेटा पेट में था, बाप का इंतकाल हो चुका था, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था, मैं डर रही थी होगा तो क्या होगा, मगर खुदा के फजल से रहा तो सुकून मिला, मगर मैं देख रही हूँ आसमान से एक जमात आई और जमात के हाथ में 3 झंडे थे, सफेद पगड़ियां थी, सफेद लिबास थे, एक झंडे को काबे के छत पर नसब किया, एक झंडे को बैतुल मक़दिस के छत पर नसब किया, एक झंडे को रसूलुल्लाह का घर है, झोपड़ी लाई झोपड़ी का घर है, रहमत लाई का खजाना है, वही जो नसब किया। अब बात समझ में आती नहीं है वो कौन थे, आसमान से नुज़ूल फरमाए, सफेद झंडा लेकर के आए, सफेद लिबास वाले हैं, सफेद पगड़ियां वाले हैं, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, खबर सुने पोता पैदा हुआ बहुत खूबसूरत है, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, बहू ने कहा अब्बा हुजूर बेटा तो पैदा हुआ, कोई टेंशन नहीं रहा, रहा तो सुकून है, सुबह शादी का वक्त है, सब कुछ है, मगर एक बात समझ में आती नहीं है, एक जमात मैंने देखा कहां आसमान से नुज़ूल हो रही थी, सफेद लिबास वाले थे, सब कुछ थे, अब्बा हुजूर बात समझ में आती नहीं है, वो जमात कौन सी थी, कहां से आ रही थी, आने की वजह क्या है, मकसद क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यही बात मैं अपने आबा अजदाद से सुना हूँ, तौरात में भी लिखा था, जबूर में भी लिखा था, इंजील में भी लिखा था, जब आखिरी नबी आएंगे इस्तकबाल के लिए कोई नहीं, आसमान के फरिश्ते आएंगे, इनकी इज्जत करने के आसमान के फरिश्ते आएंगे, खाली हाथ नहीं, ये आसमान के फरिश्ते, ये अमन के झंडा भी लाएंगे। कहा बहू घबराने की बात नहीं, एक झंडा जो काबा में गाड़ा, काबा वो जगह है, पूरी दुनिया सर झुका दी है काबा की तरफ, खुदा का घर है, सारी मस्जिदें खुदा का घर है, और यहाँ झंडा गाड़ कर बताया जब काबे में झंडा जायज है तो हर खुदा के घर में झंडा जायज है, कोई पूछे कुरान में कहीं है अल्लाह ने एक जगह में रसूलुल्लाह को रहमत कहा, सूरह अंबिया के अंदर कहा उमा रसूलुल्लाह का इल्ला रहमतलिल आलमीन,
ना मोहम्मद है ना अहमद है ना ताहा ना यासीन ना बशीर कुछ नहीं है। रहमती से कहा, सूरह यूनुस में कहा कि रहमती से खिताब किया अल्लाह के नबी को, जब रहमत आई जब नबी तशरीफ लाए तुम खुशियां मनाओ, हमारी मर्जी हजरत कुरान खानी करे, फातिहा करे, मिलाद करे, सलाम कयाम करे, जुलूस निकाले, अल्लाह ने तो इख्तियार दे दिया खुशियां तुम मनाओ,